नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज जोशी। उत्तराखंड की प्राकृतिक खूबसूरती जग जाहिर है और इसलिए दूर दूर से पर्यटक इस खूबसूरती को देखने और इसका आनंद लेने यहां आते रहते हैं और सरकार भी इस बात की महत्वता को जानती है, इसलिए अलग अलग सुविधाएं पर्यटकों के लिए लाने को प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में एक और खबर सामने आ रही है। अब पर्यटक उत्तराखंड के दूरस्थ स्थानों पर चलते घर कहे जाने वाले अल्ट्रा लग्जरी वैन यानी कैरावैन में घर की तरह बैठकर टीवी देखते हुए, सोते हुए, चाय कॉफी और भोजन तैयार कर खाते पीते और वहीं सारी सुविधाओं के साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ आरामदायक सफर कर सकेंगे। दरअसल उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यानी UTDB के सहयोग से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विशेष वाहन कैरावैन का कल यानी सोमवार को शुभारंभ किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कैरावैन को प्रदेश की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया है, जिससे आम युवा भी विशेष अनुदान के साथ कैरावैन खरीद सकेंगे और यही कैरावैन उनका घर भी चलाएंगी। प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि राज्य में सोमवार से पहले शुरुआती चरण में 5 और 3 सीटर कैरावैन और गोरखा कैरावैन की शुरुआत की गई। इन कैरावैन की यात्रा अवधि 8 दिनों की होगी, जिसमें पर्यटक पंदगर से शुरू होकर टनकपुर साहसिक गतिविधियां करते हुए पंचेश्वर, बिनसर, गरुड़, औली, टिहरी होते हुए लगभग 900 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए और उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हुए देहरादून पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि ये कैरावैन लंबी और दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा के शौकीन पर्यटकों के लिए कैंपिंग और घर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस वाहन में सैलानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सड़क के रास्ते कहीं भी यात्रा कर सकेंगे और होटल की जगह दूर दराज के इलाकों, जंगलों और नदियों के किनारे रुककर कैंपिंग करते हुए खुद ही भोजन बनाते हुए और घर जैसे वातावरण में अपनी यात्रा को यादगार बनाते हुए यात्रा कर सकेंगे। कैरावैन में LCD TV, सैटेलाइट TV, GPRS, नेविगेशन सिस्टम, वॉशरूम, पेंट्री, कॉफी मेकर, माइक्रोवेव जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि कैरावैन पर्यटकों के लिए एक किफायती पर्यटन विकल्प बनकर उभरा है, क्योंकि कैरावैन में आवास और भोजन की सुविधा होने के कारण पर्यटक को अलग से होटल की बुकिंग नहीं करानी पड़ती। साथ ही कैरावैन को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया है। राज्य सरकार की पर्यटन नीति के तहत MSME के अंतर्गत कैरावैन खरीद सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से तय अनुदान भी दिया जा रहा है। इसका पर्यटकों और उत्तराखंड वासियों दोनों को ही सीधा लाभ मिलेगा। तो आपको कैसी लगी ये योजना, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।